धीरे धीरे एफर्ट डाल के और फिर बाद में कोई चीज़ मिलती है तो उसकी वैल्यू अलग होती है। तो इस प्यार की वैल्यू अलग होगी, ये मुकम्मल होगा। ओहो, जेन्युइनली या तो स्टोरीज लव स्टोरी होती है या फिर पूरा कंप्लीट फैमिली ड्रामा रहता है. ये हर चीज़ का मिक्सचर है. यहाँ पे आपको सास बहू की नोकझोंक भी दिख रही है, एक अधूरी प्रेम कहानी भी दिख रही, अधूरी नहीं क्या बोलते हैं उसको, एक एक तरफा तरफ प्रेम एक कहानी तरफ भी दिख रही है. और जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, एक स्वागत है आप दोनों का डेली चक्कर पर। थैंक यू. यू चाहेंगे तुम्हें इतना, और इसके पहले मुझे लगता है चाहते में हम नजर आते हैं। हाँ जी. क्या है ये चाहने के कनेक्शन? ये चाहते से ख़त्म होके यहाँ पे दोबारा शुरू हो रहा है। चाहते चाहेंगे तुम्हें इतना, तो स्टोरी आगे चल ही रही है, वो शिद्दत, वो प्यार, वो मोहब्बत बढ़ती जा रही है, तो वही आपको अभी देखने को मिलेगा। वो अधूरी कहानी शायद यहाँ पूरी हो हमारी जाए. अधूरी कहानी आपको देखने को मिलेगी। एज वी कैन सी इन द प्रोमो कि इस प्रेम कहानी की शुरुआत बहुत इजी नहीं है, और अगर शुरू हो भी गई तो भी वो प्रेम कहानी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना करने वाली है, बिकॉज शी इज ऑलरेडी मैरिड एज प्रोमो शोज। सो इसमें रोमांस का कितना स्कोप बचने वाला है, क्योंकि जैसा नाम सजेस्ट करता है हमें लग रहा है कि शो में रोमांस भर भर के देखने मिलेगा। अब एकदम से रोमांस मिल गया तो फिर बोर हो जाएगी ना पब्लिक, और अगर मिलेगा भी तो फिर सपने में ही मिलेगा। अब धीरे धीरे एफर्ट डाल के और फिर बाद में कोई चीज़ मिलती है तो उसकी वैल्यू अलग होती है। तो इस प्यार की वैल्यू अलग होगी, ये मुकम्मल होगा। सुबह से लेके अभी तक इसने उर्दू के कम 6-7 वर्ड सीख लिए इंटरव्यूज में। अल्फाज अल्फाज ए टू जी भूल गए और अल्फाजों के चक्कर में। टेल मी वन थिंग, क्या बेस्ट पार्ट था कि आप लोगों ने इस शो के लिए हाँ कह दिया, अपार्ट फ्रॉम इट्स बालाजी शो स्टोरी? स्टोरी तीन चीजें थी मेन। फर्स्ट ऑब्वियसली बालाजी जो आपने बोला, सेकेंड लीड एंड नहीं सॉरी मैं नंबर नहीं दूंगी, बालाजी लीड एंड स्टोरी। स्टोरी मुझे ऐसा लगा ना कि, और मैं बहुत जेन्युइनली बोल रही हूँ, मैंने हर बार सबको ये बोला है कि आई एम नॉट सेइंग दिस क्योंकि हमारा शो है तो हम अपने शो की तारीफ करेंगे, बट जेन्युइनली या तो स्टोरीज लव स्टोरी होती है या फिर पूरा कंप्लीट फैमिली ड्रामा रहता है। ये हर चीज़ का मिक्सचर है। यहाँ पे आपको सास बहू की नोकझोंक भी दिख रही है, एक अधूरी प्रेम कहानी भी दिख रही, अधूरी नहीं क्या बोलते हैं उसको, एक तरफा प्रेम कहानी भी दिख रही है। और जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, एक फादर इन लॉ का और एक डॉटर इन लॉ का बॉन्ड, जो बहुत कम जगह देखा जाता है या कम जगह बहुत दिखाया जाता है कि एक फादर इन लॉ कितना सपोर्टिव हो सकता है अपनी बहू के लिए। तो इतने सारे मसाले हैं ना कि मतलब लग रहा था कि करने में बहुत मज़ा आएगा। और 20-25 दिन हो गए हमें शूट करते हुए, हमें एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा है। कभी वो ऐसा टायर्ड नहीं लगे कि नहीं थक गए यार बहुत करो, बहुत हो गया शूट बंद करो। चलो थोड़ा सा गॉसिप करते हैं। भरत, अपने एक तरफा प्यार की कहानी सुनाए स्कूल कॉलेज वाले। नहीं नाम लूंगा तो बदनाम हो जाएगी, किस्सा भी सुनाऊंगा तो भी बदनाम हो जाएगी, क्योंकि 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 मेरे सब दोस्त और वगैरह को पता है। तो फिर जो भी है, मतलब ऐसे ही कि स्कूल में था, फिर कॉलेज में थोड़ा सा रहा, एक ही से रहा या अलग अलग से? एक ही से रहा, बार बार हुआ, एक ही से हुआ, बार बार मिलना हुआ नहीं हुआ, फिर बहुत टाइम ट्राई किया, फिर चीज़ें सही नहीं हुई, तो फिर सुनो ऐसे फिर मत करो, एक मैम ना मुझे रिप्लेस करके वो उसको लेके आ जाएगी कि ज़्यादा जेन्युइन स्टोरी दिखेगी। किस एक्सटेंट तक कोई फनी चीज़ जो आपने की हो उसे इम्प्रेस करने के लिए या पाने के लिए? फनी चीज़ या बहुत आई मीन बॉक्स, हाँ मतलब मैंने पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज कर दिया था। यूनिवर्सिटी वाले हो क्या? नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं बता सकता मैं। अरे वो कैसे करते थे? क्या कैसे करते हैं उसका जेस्टर ऐसे? किसका? अच्छा अच्छा अच्छा, किसी फेंक रहे हो और वो लपेट रहे हो। कोई नहीं, ठीक है। आपका कोई एक तरफा प्यार? नहीं, थैंक गॉड, मुझे बहुत डर लगता है एक तरफा प्यार से, कोई नहीं है। क्रश? क्रश जो था उसको मुझ पे भी क्रश था, थैंकफुली। थैंक यू गाइस, कैसा लगा टेली चक्कर से बात? अरे बहुत मजा आया। हाय, दिस इज भरत अलावत। हाय, आई एम स्वाति शर्मा, और आप देख रहे हैं टेली चक्कर पे।